भाई मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया होता है, हाथ दर्द होता है, पैर दर्द होता है, वैसे कोरोना भी एक चीज़ है, होती है, हमें वही है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कोई दानव हैं या कोई आतंकवादी हैं। ट्रीटमेंट होता है, रिकवर हो जाते हैं, नो इशू, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप भी ना डरिए, अगर कोई अमिताभ बच्चन के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता अमिताभ बच्चन के लिए कि वो रिकवर हो जाए, तो ये तो फिर हमारा और तुम्हारा मोहल्ला है और हम ही लोग हैं यार, तो हमारे लिए या किसी और के लिए दूसरों के लिए हम तारी हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते कि इनको हुआ, चलो ईश्वर इनकी रक्षा करे, इनको लोगों को सोचना चाहिए कि अगर उसको कोरोना हुआ है तो ईश्वर प्रार्थना करें भाई वो ठीक हुआ। ये बात श्योर है, आप कुछ भी मानो, आप कोरोना से 101% रिकवर हो गए। हाँ, 2-3 दिन के अंतराल, 4 दिन के अंतराल में आप ट्रीटमेंट करा दीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, डरोगे घर में रहोगे। मैं किसी भी पर्सन से मिला नहीं हूँ, ना मैं मिलता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं कमी लोगों से मिलता हूँ, तो मैं मिला भी नहीं हूँ किसी से, ना मेरे फैमिली में किसी को। उसके बाद भी अगर ये मुझ तक पहुँचा है तो आप ये तो भूल जाए कि आप सुरक्षित हैं। और सुरक्षित का मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकल रहे हैं, हो सकता है आपको ही हो सकता है, इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उसके लिए प्रार्थना करें, कोई आपके लिए भी करें। तो बस श्योर है कि आप भी रिकवर होगी। पहली बात तो अपने आप सेफ्टी रखें, बहुत अच्छी तरह का व्यवस्था है, लोग बाग सब बढ़िया है, मैं भी मस्ती से चंगे से हूँ। अब ये मेरा बेड है, देखिए भैया मैं बहुत मस्ती से हूँ। इधर पे ये वायरस वाला एयर फिल्टर रखा हुआ है। हाँ जरूर, मेरा केस थोड़ा पेचीदा मान लो, मेरे को ट्रिप वगैरह भी चढ़ी हुई है और थोड़ा ट्रिप वगैरह भी हो ना, हाँ, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैं रिकवर होऊंगा, इसलिए नहीं कि ये मेरा भ्रम है।